मैं हूँ अर्पिता और आप सब देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। तो आज मैं आई हूँ आप सबके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेके, एक खास प्लानिंग के साथ आई हूँ मैं, जो कि है फैमिली प्लानिंग को लेके। फैमिली प्लानिंग करने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, काफ़ी सारे सवालों को अपने अंदर अराइज करना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या इस वक्त करना चाहिए, क्या कौन सा वक्त है। ऐसे काफ़ी सारे सवाल मैं जानती हूँ आपके दिमाग में घूमते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मैं सुनती हूँ काफ़ी वक्त ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज़ इट पॉसिबल टू डू नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन, तो मेरा जवाब है येस। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर आपका पहला बच्चा अगर आपका सी सेक्शन से हुआ हो तो आप डेफिनेटली सेकेंड आपका जो इशू है, जो सेकेंड आपका चाइल्ड है, वह आप नॉर्मल डिलीवरी से कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच कई जो कुछ प्रभाव है उसे आपको मानना पड़ेगा, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उस नॉर्मल डिलीवरी को जा सकते हो। पहली चीज़, आपको दो बच्चों के बीच में 3 साल का मिनिमम 3 ईयर्स का एक गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए हेल्दी है, क्योंकि पहला कारण है माँ के स्वास्थ्य के लिए। अगर माँ की हेल्थ अच्छी होगी तो माँ एक अच्छे स्वास्थ्य, एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। आप मेरे ख्याल से कोई माँ नहीं चाहती है ऐसा कि उनका बच्चा वीक हो, तो उसके लिए आपको एक 3 ईयर्स का गैप मेंटेन करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका बच्चा जब 3 ईयर्स एक बड़ा होता है तो वो भी काफ़ी समझदार हो जाता है, तो आपको अपने बच्चे को टू टू थ्री ईयर्स तो एक वक्त देना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के मानसिक पड़ाव, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरत है। माता पिता का प्यार, माता पिता का उसके साथ एंगेजमेंट। तो अगर आप 3 ईयर्स बाद बच्चे के प्लानिंग करते हो, सेकेंड चाइल्ड की प्लानिंग करते हो, तो ये आपके फर्स्ट और सेकेंड दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप देखोगे आपको भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, आपका पहला बच्चा भी काफ़ी समझदार हो गया है और आप दूसरे बच्चों को भी अच्छा वक्त दे पा रहे हो और अच्छा हेल्थ आपका मेंटेन रहेगा उस वक्त। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहूँगी, काफ़ी औरतों का मैं सुनती हूँ कि मिसकरेज हो गया है, तो मिसकरेज होते ही संग संग दोबारा आप ट्राई मत कीजिए फिर से। एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए आप वेट कीजिए, अपने आपने बॉडी को फिर से प्रिपेयर कीजिए, फिर से एक वो जो लड़ाई है उसके लिए आप तैयार कीजिए अपने बॉडी को। आप अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, अच्छा फूड लीजिए और अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाइए कि आपके लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होगी। क्योंकि मैं एक औरतों में जिद आ जाती है कि नहीं, हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि ये एक बेबी है, इसे आपको अच्छा हेल्थ, अच्छे खान पान के साथ लाना है, अच्छे विचार के साथ लाना है। अगर आप जिद के साथ लाओगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा, उल्टा नेगेटिविटी आपके चारों तरफ फैलती रहेगी और आपके काम भी नहीं बिगेंगे क्योंकि इस बनेंगे। तो आप इसे हमेशा फॉलो कीजिए कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हर काम में आपको पेशेंस रखना है और इस काम में तो कुछ ज़्यादा ही रखना है। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी जो औरत ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे सेकेंड इशू चाहिए, वो लोग डेफिनेटली एक 3 ईयर्स का गैप प्लीज़ मेंटेन कीजिए। और जिनका फर्स्ट इशू हो गया है वो काइंडली अपने डॉक्टर से अपने कंसल्ट कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और थोड़ा मेंटेन कीजिए। फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपको मेंटेन करना चाहिए पर्सनल रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ, अदरवाइज़ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनकी तो काफ़ी हाई चांसेस होती है सेकेंड इशू आ जाने के, और उस दौरान अगर आपको सेकेंड इशू आ जाए तो सोचिए आपकी ऑलरेडी बॉडी एक पेन से गई है, फिर अगर आपको अबॉर्शन कराना पड़े तो वो एक और तकलीफ़ होती है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी औरत को इस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़े। तो आप सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और चीज़ों को जानिए और ऐसे फॉलो कीजिए। और फैमिली प्लानिंग करने से पहले हमेशा इन सब बातों को अपने ध्यान में रखिए। और सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में ये रखिए कि आप रेडी है एक फैमिली के लिए। ऐसे काफ़ी मैं सुनती हूँ कि हमको पता ही नहीं चला कि हो गया, कैसे हो गए हम प्रेग्नेंट, हमको पता ही नहीं चला। हमेशा प्लान ऐसे होता है, काफ़ी वक्त होता है, लेकिन फिर भी आप एक अपने आप को रेडी रखिए मेंटली कि अब हम रेडी है एक प्लानिंग के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने बच्चे को जब बड़ा करोगे आपको भी काफ़ी मेंटल सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि काफ़ी औरत मैं मैक्सिमम अभी सुनने में आता है काफ़ी औरत लोग
डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके काफ़ी सारे कारण हैं। काफ़ी औरतों के मैं देखती हूँ लेडीज़ की न्यूली मैरिड होते हैं, वो जस्ट न्यू शादी होती है, 2 से 3 महीने में सुनने में आता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पहला शादी के बाद का लाइफ जो 1 ईयर 2 ईयर वो एन्जॉय नहीं किया और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, एक अजीब से एक लाइफ में आ जाते हैं उनको, तो उनका धीरे धीरे डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है फैमिली प्लानिंग अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप देखिएगा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, सब कुछ आपका बैलेंस रहेगा। तो मैं डेफिनेटली हर लेडी से बोलूँगी कि आप फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए, और बेबी जब लेंगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, डेफिनेटली अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि एक अलग सी लाइफ आने वाली है, क्योंकि जिनको जो अपना फैमिली प्लानिंग करके अगर बेबी लेते हैं उन वो काफ़ी आप देखेंगे वो काफ़ी खुश रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो बिना प्लानिंग के बेबी लेते हैं उनका डिप्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में नहीं देखी है, और अचानक से बेबी अगर लाइफ में आ जाए तो डेफिनेटली ये नेचुरल चीज़ है कि उनको एक चिड़चिड़ाहट हर चीज़ में महसूस होगी कि अब हम ये नहीं कर पा रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो ऐसा मत सोचिए, ये भी एक थोड़ा सा एक स्पैन है, 1 ईयर का स्पैन है, आपको इसका कोई इलाज नहीं है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है, इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं आपको हमेशा बोलूँगी छोटे बच्चे आई नो थोड़ा आपको इरिटेट भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, लेकिन ये आपको हैप्पीनेस भी यहीं से मिलेगी, तो आप इन बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, तब आप बहुत अफसोस करोगे। और हमेशा एक अपने मोबाइल रखिए या कैमरा रखिए, आपके बच्चे की जो न्यू एक्टिविटी है उसको कैप्चर कीजिए, ताकि जब आप थोड़े 3-4 साल बाद अगर आप अपने मोबाइल या कैमरे में खोल देखना चाहोगे कि आपके बच्चे ने क्या क्या आपके साथ हरकतें की थी, तो आपके चेहरे में सिर्फ एक स्माइल हो, उस स्माइल को ही आप देखने के लिए बेकरार हो जाएंगे। मेरी बात आपको ज़रूर देखना याद आएगी ये सब बातें। तो इन सब चीज़ों को, डिप्रेशन को भूलकर आप ये अपने दिमाग में रखिए कि अपने बच्चे को अच्छे से आपको बड़ा करना है और फैमिली प्लानिंग हमेशा सही करना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ढेरों सारे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, जो गलत गलत डिसीजन ले रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी समझाइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और चलिए मिलते हैं मेरे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।